जन्मदिन के अवसर पर हिंदुस्तान ने श्रीलंका को बुरी तरह रौंद दिया और ये एशिया कप और आज का जन्मदिन जो है हमेशा के लिए यादगार रहेगा। बहुत धन्यवाद। ये जो है घनशाली से अनीता राणा मेरी बेटी दो नंबर है। Thank you. तो इस तरह माता पिता जो है गांव में हैं, उनको वीडियो के माध्यम से चरण स्पर्श किया गया। आपके सामने ये हवन देवता की पूजा अर्चना हवन करने के पश्चात पंडित जी को जो है हमने विदाई कर दी है। अब जो है दिन में शाम को 4 बजे कुछ मेहमान आएंगे, कुछ अपने, कुछ पराए, कुछ बाहर के, और वहाँ पर जो है ये बच्चों की इच्छा पूर्ति करने के लिए अब जो है केक काटा जाएगा। और अब इस समय इन छोटे छोटे बच्चों का दिल रखने के लिए ये जो आजकल डिजिटल की दुनिया में है, एक्चुअली हमारे जमाने में ये चीज नहीं थी, तो अब हम उसे पूरा कर रहे हैं। ये हमारा अपना अपना अंदाज है बर्थडे मनाने का। तो इस तरह ये सारी तैयारियां इन बच्चों ने की है और ये बच्चे जो है छोटे बच्चे बल्कि अच्छे ये सभी तो विदित हैं। कोई बैठे हैं तो कोई खड़े हैं। तो इस तरह इन रंगीन दीवारों के बीच में ये आज की शाम इन बच्चों के साथ मेरे जन्मदिन के नाम ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मेरे अपनों के साथ केवल मेरे साथ अंजलि है, जबकि मेरे सब कुछ है उनको जो है हम वीडियो के द्वारा जो है मेरे जन्मदिन का मनाने का सब। इस तरह छोटे छोटे बच्चों के साथ केक बिस्कुट नमकीन के साथ जो है जन्मदिन जो है हमेशा के लिए यादगार रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ राजेंद्र सिंह केंतरा आप लोगों से विदा मांगता है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब फेसबुक यूट्यूब और इंस्टाग्राम के माध्यम से करेंगे। मैं आपकी सेवा करूँगा और बहुत जल्द मैं ब्लॉगर की दुनिया में भी आ रहा हूँ। मेरे पास काफ़ी कहानियों का समावेश है पर्यटन के विषय में और ख़ास करके एक मोटिवेशन ब्लॉग के लिए मैं आप लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। कृपया मुझे याद रखें।